नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में फिर एक चोरी की वारदात सामने आई है, जहां परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था, उसी दौरान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले वैभव निर्वाणी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने परिवार के साथ देर रात शादी समारोह में शामिल होने गए थे। जब सुबह घर पहुंचे तो घर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अलमारी भी पूरी तरह से टूटी हुई थी और सारा सामान अस्त व्यस्त था, उसमें रखे सोने चांदी के जेवर गायब थे। फरियादी वैभव ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। वैभव निर्वाणी, उनकी बहन की शादी जो आस्था परिसर अहिल्या परिसर है, वहाँ पर शादी थी और ये शादी में सारा परिवार गया हुआ था। जब वैभव सुबह अपने घर पहुँचे तो घर का ताला टूटा हुआ था, जिसमें से कुछ सोने के जेवर, चांदी के जेवर और गए हुए हैं और फिंगर टीम को बुला करके फिंगर लिए गए हैं। आसपास की फुटेज देखी जा रही है, अभी तक कोई फुटेज प्राप्त नहीं हुई है और मुखबिर जारी कर दिए। कितने का मशरू का? करीब 80,000 का मशरू का गया है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।